चालू है के हो गया भाई। बाहर सुनो मेरी बात तो। भाई यो ऑफेंड होने का ठेका लिखड़ा करा है भाई हर महीने गवर्नमेंट साइट पे। तो भाई हर महीने जो है ऑफेंड होने के कॉन्ट्रैक्टर बदल जाया करा है। तो भाई अगर तुम कॉमेडी करते हो, पहली बात तो करो को नहीं, कॉमेडी करनी छोड़ दो, कति छोड़ दो कॉमेडी करनी। कोई पता कौन नहीं चल रहा है भाई, कब कौन ऑफेंड हो जाए भाई, पता चल रहा है ना चल रहा है। मन ने तो छोड़ दी, मन ने कॉमेडी करनी छोड़ दी आज तक। आज तक नो कॉमेडी, ओनली सीरियस टॉक्स लाइक दिस आई एम डूइंग। इफ यू वॉन्ट टू स्टिल डू कॉमेडी देन भाई कुछ जो है इन ऑफेंड होने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के नॉर्म्स रूल्स हुआ करें भाई, ये दिखाड़ा करें भाई, अब आपने वो फॉलो करने हैं। ठीक से फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ऑफेंड मत करो। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये ऑफेंड हो जाए। क्या चीजें हैं जिससे ऑफेंड हो सकते हैं भाई? कुछ भी, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। हाँ के यूज कर सको भाई, के बोल सको हो भाई, कोई भी गाली गलौज। लड़कियों की रिस्पेक्ट ना करना ठीक से है, कोई दिक्कत ना है उसमें। आपने किसी जोक में किसी पूर्वज का नाम ले लिया, रेफरेंस दे दिया, भाई दिस इज कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्टिंग। बट माँ बहन की गाली इज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग टू एनीवन। और ये अपने जो गालियों के साइंटिस्ट हैं, अरे यार इंडियन गालियों के साइंटिस्ट को ना जानते भाई। यार ये कैरी मीना टी, अरे इसने वीडियो लगा दी, क्यों देनी चाहिए गाड़ी देने से? के क्यों हुआ करे, स्ट्रेस रिवील हुआ करे भाई। माँ बहन की गाली देना भाई, इतने लंबे लंबे हिंदी में शब्द बोलना है बोल लो भाई, लेकिन दो शब्द गाड़ी दे दोगे भाई तो स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा भाई, शॉर्ट में हो जाता है। दोस्त बिना गाड़ी के मस्ती ना कर सकते भाई, ने पूरी की पूरी जो है थीसिस दे रखी है उस वीडियो में, जाके देख ले यार। मैं ना बता रहा उसके बारे में बात कर रहा, बाढ़क से अभी वो साइंटिस्ट है, लेकिन बाढ़क बाढ़क साइंटिस्ट है अभी वो। और भाई के चल सके भाई होमोफोबिक, भाई किसी का बुली करना भाई, किसी का मजाक उड़ाना, बॉडी शेमिंग करना भाई, किसी को नीचा दिखाना भाई, किसी गरीबी पे हंसना भाई, सब कूल सा है, कूल है भाई, उसमें क्यों ऑफेंड होना यार? चक्के ने चक्का ना बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उसमें ऑफेंड होने की कोई बात है? कोई बात को नहीं उसमें, जो जो है उस पर हंसी आया है तो आया भाई, उन लोगों ने ठेकेदार से वो ना उतने भाई उस पर ऑफेंड हो, उनके रूल्स है भाई। देखो अब मैं तुमने बता दूं कि अगर थमने ऑफेंड कर दिया तो क्या क्या हो सके भाई? भाई देखो जिस जगह तुमने ऑफेंड किया उस जगह पे तोड़फोड़ हो सके भाई, जिसकी जगह हो कोई लेना देना नहीं है भाई, वहां पे बोल कैसे दिया अभी देख रहे हो, बैकग्राउंड देख रहे हो। अगर मेरे ते ऑफेंड हो गए वो यारे आके मेरे ते तोड़ेंगे, इस जगह ने तोड़ेंगे, इस खिड़की ने तोड़ेंगे भाई, कुछ भी तोड़ सके भाई तुम्हारा, रह रैपट रैपट दे कुर्सी मुंह पे, कुछ भी भाई, कुछ भी कर सके भाई। ठीक से रूल्स है उनके यार, तुम उनते लड़ोगे के लड़ लो तुम अकेले होगे भाई, लड़ लो कितना लड़ लोगे, कितना शरीर में दम है तुम्हारे, लड़ लो भाई, ना 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 मुंह ते लड़ाई ना करे। कॉमेडी देखो देखो ऑनलाइन तुम कॉमेडी कर रहे हो, वो तो तुम कर लोगे भाई, लेकिन लड़ाई हुआ करे हाथ पैर आते, हाथ पैर आते कर सकते हो लड़ाई तो कर लो भाई, कितने तो लड़ लोगे एक साथ, अजय देवगन थोड़ी हो भाई सिंघम के। ठीक से चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर तुम लड़की हो तुम्हें डायरेक्ट रेप थ्रेट मिल सके, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को, सबको रेप थ्रेट मिल सके तुम्हारे परिवार में। अगर तुम लड़के हो भाई तो तुम्हारी बंदी को, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन को रेप थ्रेट्स मिलेंगे। पूर्वजों ने बोला होगा रेप थ्रेट दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है, मेरा नाम कोई ले तो उसने जाके तोड़ देना, उसने रेप थ्रेट देना, हो सके भाई? हमने के बेरा भाई किसके के रूल्स हैं किसके के ना है। देन भाई रेप थ्रेट हो गया, अगर तुम इससे भी बच गए, तुम्हारा रेप ना हुआ, देन भाई थमने जो है अपॉलोजी देनी पड़ेगी भाई, पब्लिक पब्लिक में जो है माफीनामा देना पड़ेगा। ऐसे काम ना चल रहे भाई, माफी तो मांगनी पड़ेगी, किस्त मांगनी पड़ेगी ना ना उससे ना, जिस जिस जिसका नाम यूज करा है वो ऑफेंड हुआ ना हुआ भाई उसने कमरे के बेरा भाई, लेकिन ये जो ठेकेदार हैं इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। तुम ले लो कॉन्ट्रैक्ट, भर दो फॉर्म, निकले पड़े हैं गवर्नमेंट साइट से, तुमने मिलेगी माफी, माफी चाहिए भाई। भाई कॉम्पिटिशन तगड़ा सा है लेकिन ठेका लेने के लिए भाई, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए भाई, नो पढ़ाई लिखाई ओनली। ठीक से सेकंड भाई कट्टर होने चाहिए आप, एक्सट्रीमिस्ट होने चाहिए। थर्ड भाई
आपका नेचर ऐसा होना चाहिए भाई कि आप किसी भी चीज से ऑफेंड हो जाओ। फोर्थ भाई, आपको जोक्स की सेंस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपने जोक समझ आ गए भाई, फिर आप तो हंस दोगे, आप ऑफेंड ही ना होगे। ऑफेंड होने देखो भाई, रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने ठेका मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आपने कुछ तो यार होना चाहिए ना, कुछ तो देखेंगे वो कि भाई बंदे में के है, कुछ है, कैलिवर शैलिवर्स है कि ना है हमारी टीम ज्वाइन करने में ऑफेंड होने की, समझ गए भाई। ये कुछ है और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो लिखे हैं उसमें, साइट पे जाओगे तो वहां लिखे से हैं वो। तो मैं जो है साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जाओ भर दो भाई कॉम्पिटिशन में। मैं अभी हूँ भाई कॉम्पिटिशन में, अभी भाई हमने भाई दिल्ली पुलिस के, हरियाणा पुलिस के फॉर्म भर भर के भाई एग्जाम दे दे के भाई थक गए भाई, कोई नौकरी ना मिल रही है, ले लेंगे भाई ऑफेंड होने का ठेका ले लेंगे भाई। तो मेरा तो भाई सजेशन ये ऐसा है कि भाई कॉमेडी कॉमेडी में कुछ ना रखा, कब कौन ऑफेंड हो जाए भाई कोई बेरा को नहीं, कॉमेडी मत करो, ओनली सीरियस टॉक्स, ओनली गाली गलोच, ओनली रेप थ्रेट्स, ओनली वायलेंस एंड जय भारत, जय दिल्ली, जय हरियाणा एंड जय महाराष्ट्र। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। ऑफेंड हो गए इस वीडियो से? अरे तो अपलोड भी ना हुई है, आपसे कैसे ऑफेंड हो गए? चलो भाई आगे, जरा तोड़ा ताड़ी करने आगे चलो। Thank you.